अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो निधि, मैं अच्छे से जानता हूँ कौन अपना है कौन पराया है। ओके, बताओ मत मुझे। हाँ तो फिर रोको ना राजवीर को, रोको क्योंकि वो गलत कर रहा है। अगर तुम शौर्य के लिए केयर करते हो, आज तुम्हारे ऊपर शौर्य के ऊपर ये सब जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है ना, ये सब की वजह राजवीर है। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि प्रीता की तरह राजवीर भी इस घर के लिए अनलक्की है। बुआ प्लीज, आज ये बात बोल दी, आज के बाद प्लीज ऐसी बातें मत बोलना। करण, तुम बुआ से ऐसे बात कर रहे हो? तुम खुद सोचो ना करण, बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम ना राजवीर को जो इतना ज्यादा सर पे बिठा के बैठे हो ना, उसे किसी चीज के लिए रोक नहीं रहे हो, इसकी वजह से वो ये सब कर रहा है, इसलिए उसको इतनी शय मिल रही है। मैंने किसी को कोई शय नहीं दी है निधि, प्लीज। दे रहे हो करण, तुम राजवीर को शय दे रहे हो और ये बात तुम्हें समझ में। करण अच्छा ठीक है, एक सांप होता है, सांप को तुम जितना मर्जी दूध पिला लो लेकिन वो पलट के काटता ही है, वैसे ही राजवीर का भी नेचर है। तुम निधि प्लीज जस्ट शट अप। तो पता तुम क्या बोल रही हो? प्लीज इतना मत बोलो कि मुझे गुस्सा आ जाए। करण, अगर मैं पूरी फैमिली को यहाँ बुलवाऊ ना, तो वो लोग भी तुमसे यही सवाल पूछेंगे जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। इसीलिए हम तीनों के बीच में जो भी बात हुई है ना, वो इस कमरे तक रहे तो बेहतर होगा। मैं नहीं चाहती कि पूरी फैमिली के सामने तुम ह्यूमिलेट हो। मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम प्रीता और राजवीर को इस फैमिली को बर्बाद करने मत दो। That's it. Please, बुआ, प्रीता को इस सबसे बाहर रखिए। Please, it's a request. Exactly. वही तो हम भी चाहते हैं। सिंपल सा सोल्यूशन है, तुम प्रीता को इस घर से बाहर रखो, ऑटोमेटिकली राजवीर भी इस घर से बाहर रहेगा, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना करण। इनफैक्ट मॉम को और भाई को राजवीर का असली चेहरा नजर आने लग गया है। ये हो क्या रहा है? मेरा परिवार धीरे धीरे राजवीर के खिलाफ क्यों जा रहा है? प्रीता, ये तुम क्या कर रही हो बेटा? राखी आंटी, निधि ठीक बोल रही थी। राजवीर अंशुमन पांडे के लिए काम करता है। परिमा, वो कुछ गलत फहमी है। प्रीता, पुत्र तूने सुना ना राजवीर ने अभी क्या कहा? कुछ गलत फहमियां हैं तो जरूर होंगी। मुझे राजवीर पे पूरा भरोसा है। इसने कुछ गलत नहीं किया होगा। बेटा, रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं और गलत फहमियों के चलते हमें रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उन गलत फहमियों को दूर करके रिश्तों को जोड़ना चाहिए। राजवीर, मैं जानती हूँ तुमने कुछ ऐसा किया है या तुमसे कुछ ऐसा हुआ है जिस पे तुम बहुत गिल्टी फील कर रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी या उस सिचुएशन में जो तुम्हें सही लगा तुमने वही किया होगा, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना? तो कोई बात नहीं, हम एक फैमिली है ना, हम सब एक ही हैं, जो भी गलत हुआ है हम उसे ठीक करेंगे। सब एक है तो ये क्यों अलग चला गया? क्यों चला गया किसी दूसरे के साथ काम करने? और वो दूसरा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, अंशुमन पांडे, जो लूथराज का दुश्मन है, राइवल है। ये कोई दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना? सोच समझ के किया ना तूने जो कुछ भी किया, इसको गलती कहेंगे या जानबूझ के की हुई गलती कहेंगे? हाँ, इतनी आसानी से तो माफी नहीं मिलेगी तुझे। तो फिर कैसे मिलेगी माफी? तूने जितना बुरा काम किया ना, अब तुझे उतना ही अच्छा काम करना होगा। खा मेरी कसम कि तू करेगा।
वहां करना होगा, मैं कुछ भी करूंगा। तो ठीक है, तू करण के साथ मिलके शौर्य को जेल से बाहर निकलवाएगा। कुछ भी हो जाए, जो भी तेरी प्रॉब्लम है करण से, तू उन्हें पसंद करे नहीं करे, लेकिन तू उनका साथ देगा और उनके साथ मिलके अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाएगा। तुझे बेटा समझते हैं ना कर, और मैंने हमेशा से तुझे कहा है कि शौर्य भी मुझे अपने बेटे जैसा लगता है, तो तू एक बेटा बनकर, एक भाई बनकर शौर्य को जेल से बाहर निकलवाएगा, चाहे उसके लिए तुझे कुछ भी करना पड़े, समझा? तू करेगा? वादा, मेरा उनसे जो भी झगड़ा है या फिर जो कुछ भी है, वो सब कुछ साइड में रख के मैं करण सर के साथ शौर्य को जेल से बाहर निकलवाने में उनकी मदद करूंगा और उनके साथ खड़ा रहूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजवीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। काव्या, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। राजवीर, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू। मैं तुम पर नजर रखने के लिए साथ नहीं आ रही, तुम्हारा साथ देने के लिए आना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि शौर्य को बाहर निकालने में मैं भी कुछ हेल्प कर सकूँ। काव्या, आई नो आप हमेशा मेरे साथ ही रहती हैं, हमेशा मेरा साथ देती। जब कोई नहीं समझता ना, तो एक आप ही होती हो जो मुझे समझते हो, और आज भी आपने ही तो समझा मुझे। और राजवीर, कोई क्या बोलता है, क्या सोचता है, जो उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी की बात नहीं सुनती, मैं बस अपने मन की सुनती हूँ। और मेरा मन ये जानता है कि मेरा भाई राजवीर कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और अगर तुमसे कुछ गलत हुआ भी है ना, तो मैं जानती हूँ उसके पीछे जरूर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन रहा होगा। बस अब आंसू पूछवाते रहोगे क्या? चलो, तुम दोनों जहां जा रहे हो वहां मैं भी आ रही हूं। बल्कि हम शौर्य से मिलने जा रहे हैं। शौर्य वो बल्कि पता है बहुत कुछ हुआ है, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगी, आ जाओ। ओके, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।